शिष्य तबो प्रिय। आप भली प्रकार से जानते हो कि हमने इस बक्सर वन में रह करके 100 यज्ञ करने का संकल्प किया है। 99 यज्ञ तो भगवान परशुराम जी के द्वारा भली प्रकार से संपन्न हुए, लेकिन एक हमारा 100वां यज्ञ शेष रह गया है। इस वन में रहने वाले ताड़का सुबाहु मारी से आदि राक्षस हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। जब भी हम यज्ञ करने के लिए तत्पर होते हैं, तभी तब वह राक्षस आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कोई भी राक्षस दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। क्यों ना हम यज्ञ आरंभ करें, हो सकता है कि जब तक राक्षस लौट करके आए हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। आओ हवन सामग्री लेकर के आओ, हम इसी समय यज्ञ आरंभ कर दें। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। अक्षय मंगलाय स्तरो हरि नारायण में स्वाहा। हरिदेवाय नमः स्वाहा। हरिदेवाय नमः स्वाहा। ये सहा सहा की आवाज किधर से आ रही है? लगता है हमने उस विश्वामित्र बाबा से बार बार मना किया है कि इस बक्सर वन में यज्ञ नहीं होगी, लेकिन उसकी हट है कि यहाँ यज्ञ होगी। नहीं होगी, लेकिन देखते हैं क्या वही विश्वामित्र यहाँ आकर के इस महाविष्णु यज्ञ रचाया है। चलो उसका चलकर विध्वंस करेंगे। चलो बार मना किया है कि तुम इस बक्सर वन में यज्ञ मत किया करो, पर तुम बार बार ना जाने किन किन गांवों से घी को मांग लाते हो और इस अग्नि में जलाते हो। अरे तुम जिस घी को जला रहे हो या खाने को नहीं है भाई, इस घी को हमको दो। अरे खिलाओ मेरे वीरों को, समय पर काम आते हैं, युद्ध के समय पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं, इनको खिलाओ। हमने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम यज्ञ करें तो तुम यहाँ न आया करो, लेकिन तुम राक्षस हो जो कि मानते ही नहीं हो। बार बार हम संतों को आकर के सताते हो, यज्ञ को विध्वंस कर डालते हो। तुम्हारी अवस्था इस प्रकार है जैसे कि वर्षा ऋतु में एक चींटी जन्म लेती है और समय पाकर के उसके पंख निकल आते हैं। परिणाम क्या होता है कि वो दीपक के समक्ष जाकर के अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देती है। मसल मसूहरे है हो जाए अगर चींटी के पर पैदा, तो निश्चय ही समझ लो कि उसकी मौत आई है। कजाने मार कर थप्पड़ किया तुमको सदाई है। तुम्हारी यदि लड़ने की इच्छा तो किसी राजा को जा ढूंढो, हम संतों के सताने में कहां की वीरताई है। तुम बार बार हमारे यज्ञ को आकर के विध्वंस कर देते हो, हम संतों को आकर के सता रहे हो। हम संत निर्बल हैं, शस्त्र धारण नहीं करते हैं। यदि तुम लड़ना चाहते हो तो किसी राजा से जाकर के लड़ो, उसकी सेना का सामना करो। हम संतों के पास क्यों आ रहे हो? अभी जाऊं अयोध्यापुरी को,
ले आऊं दो क्षत्रिय वीरों को, उन्हीं के हस्त कमलों से तुम्हारी मौत आई है। दो रघुवंशी क्षत्रिय यदि यहां आ जाएं मेरी यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो दो रघुवंशी तुम्हारे सारे राक्षसी समूह का विनाश कर डालेंगे। अरे तुम्हारे रघुवंशी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे रघुवंशी की, बमूर वंशी की, आम वंशी की, नीम वंशी की, इन सब वंशों की वंशावलियों को लेकर ऐसी बंसी बजाऊंगा, ऐसी बंसी बजाऊंगा कि एक फूंक में सबरे वंशों को उड़ा दूंगा। अभी तुम मुझको जानते नहीं हो, तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर बाबा जी बन जाते हो, कान फूंक कर और हाथ देखकर माल मुफत का खाते हो, गाजा सुल्पा भंग छान कर घर घर अलख जगाते हो, इन दुनिया के भोले लोगों को उल्लू खूब बनाते हो। ऐसे होते हैं बाबा जी, हम बहुत जानते हैं बाबा जियों को। और इस यज्ञ से भला होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आज के बाद यज्ञ नहीं करना, ये हमारा आदेश है, हमारे महाराज का आदेश है। यज्ञ नहीं होगी। यज्ञ तो अवश्य ही होगी। नहीं होगी। अरे हम कहते हैं यज्ञ होगी। अरे हम भी देखते हैं यज्ञ कैसे होती है। ऐसा है कि हमें क्रोध आए और हम तुम्हें सांप दे करके नष्ट कर डालें। भाग जाओ यहाँ से। ओ बाबा गुस्सा, बाबा गुस्सा आ गया है। चलो चलो। गाधी तनयो मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिनो निश्चर पापी। अरे विश्वामित्र, यह राक्षस आकर के बार बार हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, विध्वंस कर देते हैं। लेकिन हम इन मुट्ठी भर राक्षसों को साप देकर के यदि नष्ट भी कर डालें तो इससे कोई भी कार्य हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इन राक्षसों की जो जड़ है वह लंकाधिपति रावण के पास है और रावण भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी से मारा नहीं जा सकता। लेकिन श्री हरि भगवान नारायण उस क्षीर सागर में शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं। हे प्रभु, वेद आपको कहते हैं कि आपकी हजारों भुजाएं हैं, आपके हजारों नेत्र हैं, आपके हजारों कान हैं, तो क्या हम संतों की वाणी आपके श्रवण रंधों तक नहीं पहुंच रही है? शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाश से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से? जाग जाओ, उठ पड़ो, वह शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह हो सके दुश्मन के मस्तक फोड़ दो, अन्यथा हम संतों की दुहाई इस देश में फिर जाएगी और आपकी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। हे प्रभु, आप अवतार धारण करें, अवतार धारण करें, क्योंकि आपके संत, आपके भक्त, आपकी प्यारी गऊ इस पृथ्वी पर कष्ट पा रही है। भगवान, आप अवतार धारण क्यों नहीं कर रहे? तव मुनि बारु मनो कीनो विचार, प्रभु अब तरे हरण मगि भार, हरण मगि भार। विश्वामित्र, तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। भगवान नारायण का अवतार तो इस पृथ्वी पर हो चुका है, वह भी किसी साधारण स्थान पर नहीं, चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के यहां अयोध्यापुरी में भगवान श्री हरि महाराज दशरथ के आंगन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान विप्रों के हित के लिए, संतों के हित के लिए, गौ के हित के लिए,
देवताओं के हित के लिए इस धरा धाम पर अवतार धारण करके आ चुके हैं। तो चलो देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। चलो विश्वामित्र शीघ्रता से अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करो। अयोध्यापुरी में जाकर के भगवान नारायण के चरण कमलों का दर्शन करो। ज्ञान विराग सकल गुण अयनासो प्रभु में देखो भर नयन देखो भर नयन। वह सारे ज्ञान के भंडार हैं भवन हैं ऐसे प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिनके दर्शन के लिए संत महात्मा जन्म जन्मांतर ध्यान लगाते हैं। वेद जिन्हें नैत नैत कहकर के प्रतिपादन करते हैं। उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिन चरणों से कलकल निनाद करती हुई माँ भागीरथी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। मेरे समान भाग्यशाली इस संसार में भला और कौन हो सकता है। चलो विश्वामित्र शीघ्रता से अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करो। शिष्य तपोप्रिय हम किसी विशेष कार्य हेतु अयोध्यापुरी जा रहे हैं जी गुरुदेव, और हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें यज्ञ नहीं करना है। ठीक है कुटिया में ही रहना। हम अयोध्यापुरी की ओर जा रहे हैं। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं पार कर्म जन सरयोजन कहे भूप दरबार। अयोध्यापुरी के समीप में माँ सरयू बह रही है। उत्तर दिश बहे सरयू पावा। अयोध्यापुरी की उत्तर दिशा में माँ सरयू का कलकल निनाद करता हुआ बहाव हृदय में परमानंद की अनुभूति करा रहा है। हे माँ सरयू मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं और आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हे सरयू शरणागत हो मात सुनो बिनती एक मोरी तेरे ही तट को बास मिले सुच निर्मल जल में पान करोरी। साधुन को सत्संग मिले श्री हरि नाम सदा उचरोरी अंत समय बिनती यही तट तेरे पे शरीर को त्याग करो। जिस समय मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ करके जाएं तो हे सरयू आपके घाट पर आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ करके चले जाएं मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं माती। कर्म जनो सरयू जल गए भूप दरबार। हो तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। हो तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। मुनिराज कल्याण मस्तु महाराज कहाँ है? महाराज इस समय राजसभा में विराजमान है। राजसभा में विराजमान है जी। उनसे जाकर के कहो बक्सर वन निवासी गाधी तनय मुनि विश्वामित्र उनका दर्शन करने के लिए आए। मुनिराज हमारे महाराज का हमारे लिए यही आदेश है कि संतों को और ब्राह्मणों को
द्वार पे ना रोका जाए, उनको आदर सहित भीतर महलों में लाया जाए। तो मुनिराज आप भीतर महलों में पधारें, आपका स्वागत है। फिर भी हमारा संदेश महाराज तक पहुंचाओ। जो आज्ञा मुनिराज। महाराज की जय हो। क्या संदेश है महाराज? मुख ऊपर तेज अलौकिक है, सिर श्याम जटा लटकाए हुए हैं, सुंदर उपवीत गले में पड़ा, कट में मृग छाला कसाए हुए हैं, कुछ दंड कमंडल है कर में, पद पाद का दिव्य चढ़ाए हुए हैं। महाराज द्वार पे दर्शन को मुनि गाधी के नंदन आए हुए हैं। महाराज प्रथम द्वार पर बक्सर वन निवासी गाधी तने मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हमारी प्रथम जोड़ी पर। जी महाराज, उनके स्वागत के शीघ्र सब लोग हमारे साथ में चले आइए। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन खगीउले विप्र समाज कर दंडवत मुनि सनमानी निज आसनो बैठा देहु आनी चरणों पखार कीनाती पूजा मुझम आज धन्य नहीं दूजा अपने भाग्य की किन शब्दों में बड़ाई करूं? आज मेरे समीप में वह शब्द नहीं जो मैं अपने भाग्यों की बड़ाई कर सकूं। दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, कृपालुता कीनी शोभायन की रसना के ही भांत बखान करे जो दशा ही ये चौग ने चायन की, तप तेज भरी यह मूरत बिंदु महोत्सव है जगतायन की, यह भूमि पवित्र भई ग्रह की जब डार दई रज पायन की। भगवान आज आपकी चरण धूलि से ये अयोध्या के राजभवन पवित्र हो गए हैं। सेवक चारों कुमारों को लाओ, महर्षि के चरणों में प्रणाम कराओ। सावधान चारों ही राजकुमार राज्यसभा में पधार रहे हैं। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम कौशल्यानंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुनिराज प्रणाम। कल्याणमस्तु। मुनिनाथ मैं केकई नंदन भरत आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुनिराज प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे मुनिराज आपके चरण कमलों में सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरजीवी रहो। मुनिराज मैं सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न आपको प्रणाम करता हूं। स्वस्ति मरस्तु कल्याण। मिले सुतचारी
हरे 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 हरे। इतना सौंदर्य, इतना लावण्य, उदीयमान सूर्य के समान खिलता हुआ जिनका मुखमंडल, मोटे मोटे नेत्र, चौड़ा ललाट, मस्तक पर सुंदर मुकुट, चौड़ा वक्षस्थल, सुडोल भुजाएं, धन्य है राजन। आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कारों में ढाला है। यदि कोई ऋषि महात्मा राजसभा में आवे तो उन्हें प्रणाम करें। वाह बहुत अच्छे, धन्य है आपके लिए। हमें प्रणाम कर रहे हैं तो हम अवश्य ही इन्हें आशीर्वाद भी देंगे। जब तक है आकाश में तारा गण की चाल, चिरंजीव जुग जुग जियो नप दशरथ के लाल। कल्याण मस्तु मगन भये देखत मुख शोभा, जन चको पूरण शशि वचन कहलाओ मुनि रस कृपा नकीनी हे मुनिनाथ। मैं सत्य कहता हूं, जैसी कृपा आपने आज मेरे ऊपर की है, मेरे वंश में मुझसे पहले ऐसी कृपा आपने किसी पर नहीं की है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका आगमन यहां किस कारण को लेकर के हुआ है। क्योंकि जब मैंने प्रथम बार प्रथम जोड़ी पर आपके श्री मुख कमल के दर्शन किए तो मुझे चार प्रकार के भाव दृष्टि गोचर हुए, क्रोध, भय, संकोच और याचना। भगवान आपको कौन है जिसने भय उत्पन्न किया है? जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो वो आंख मस्तक से कड़वा दूं, जो जिब्या कड़वी बोली हो वो जीव हलक से खिंचवा दूं। हे मुनिनाथ, इस संसार में आपको भय उत्पन्न करने वाला कौन है? द्वितीय क्रोध, तो भगवान मैं तो आपके कृपा का भाजन हूं, क्रोध का पात्र नहीं। द्वितीय याचना और संकोच, ये दो, तो भगवान मैं सत्य कहता हूं, तन से मन से वचन से सल्तनत और संतान से हर तरह हाजिर हूं। भगवान क्या मुझे इनकार है? है ये सभी कुछ आपका, ये सेवक तो पहरेदार है। भगवान मेरे समीप में जो भी कुछ है वह सब आपका ही तो है, इसलिए आप संकोच को त्याग करके अपनी याचना प्रकट करें। आप किस कारण से मेरे समीप में आए हैं आप प्रकट करें, तो अतिशीघ्र मैं आपकी वह प्रिय सेवा करूं। राजन आप परम बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपने हमारे मुख को देख करके हृदय के भावों का दर्शन किया। आपने कहा कि आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं। हां मैं क्रोध कर रहा हूं, क्रोध मुझे उन राक्षसों पर आता है जो कि मेरे सौम्य यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे।
और इतना ही नहीं, मुझे भय भी उन राक्षसों का ही सता रहा है। और याचना तृतीय भाव सत्य है, मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। और फिर कहा, आपने आपके हृदय में संकोच हो रहा है। हां राजन, मुझे संकोच हो रहा है कि मैंने आपसे जो वस्तु मांगी और आपने देने से मना कर दिया, तब क्या होगा, इसलिए मुझे संकोच भी हो रहा है। भगवान, आप इस संकोच को त्याग दीजिए, क्योंकि इस वंश की रीति से आप भली प्रकार परिचित हैं। आप बताइए क्या चाहिए। राजन, मेरा स्वभाव, मैं द्वार द्वार पर मांगने वाला कोई साधु नहीं, मैं विश्वामित्र हूं। मैं धान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को मैं छूता नहीं जहां पीछे बहुत भजीता हो। है दान वही उत्तम राजन, दान देश काल और पात्र देख करके दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लग रही है और उसे अन्न की आवश्यकता है, हम उसे वस्त्र दान करते हैं, तो उस दान का कोई भी औचित्य नहीं रहता। यदि किसी व्यक्ति को वस्त्र की आवश्यकता है और हम उसे अन्न दान करें, तो उस दान का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। है दान वही उत्तम राजन, जो कि दानी ने दुख ना माना हो, दान दिया और दुख माना वह दान नहीं जुर्माना हो। इसलिए आप विचार कर लो, जो हम मांगेंगे क्या आप हमें वही देंगे। भगवान, दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या, वह दानी क्या, जिसने नहीं दिया दान वह प्राणी क्या। दे दिया दान इन हाथों से और मन को उसके कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप संकोच को त्यागिए और कहिए मैं आपकी क्या प्रिय सेवा करूं। राजन, हम आपके वचनों को सुनकर के अति प्रसन्न हुए, लेकिन हमारा उद्देश्य, जिस कारण को लेकर के हम आपके समीप आए हैं, मैंने बक्सर वन में रह करके एव नियमाम तिष्ठे सिद्ध्यर्थ पुरुषर सभा तस्य विघ्न करो दो तो राक्षसो काम रूपणम। मैंने वहां रह करके 100 यज्ञ करने का संकल्प किया है। 99 यज्ञ तो पूर्ण हो गए हैं, उत्तरार्ध ही शेष रह गया है, अर्थात एक यज्ञ जो कि मेरा पूर्ण होने में नहीं आ रहा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री होम यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाया और अकुलाया हूं, रक्षा सहायता दो वस्तु मैं तुमसे लेने आया हूं। सहायता की जाती है दूरी से और रक्षा की जाती है समीप से। सहायता चाहता हूं आपके द्वारा और रक्षा चाहता हूं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण के द्वारा। अपने दोनों राम लखन दे दो मुझे कुछ दिन के लिए, इसमें तुमको सुंदर्य सहे कल्याण कीर्त है उनके लिए। राम लक्ष्मण मुझे चाहिए, वह भी यज्ञ रक्षा के लिए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी, चौथे पनु पायु सुत चारी, विप्र वचनो नहीं कहे वो बिचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी।
हे प्रिय वचन बोलने वाले महात्मन, आप ये कैसे अप्रिय वचन बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं अपने राम और लक्ष्मण को आपकी यज्ञ रक्षा के लिए आपके साथ भेज दूं। हे विप्र, आपने वचन विचार करके नहीं कहे, कारण कि मैंने चतुर्थ अवस्था में इन कुमारों का मुख देखा है। माघो भूमि धेनु धन को धन मांगिए, धाम मांगिए, भूमि मांगिए, मेरा सर्वस्व मांगिए, मैं सहर्ष उत्साह से आपको देने के लिए तैयार हूं। किंतु राम, विचार तो करें आप। देहु प्राण के कछु प्रिय नाहि, सोई मुनि देवो निमिष एक माघि, निमिष एक माघि। हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में अपने प्राण से प्रिय दूसरी वस्तु कोई नहीं है, अपनी देह सबसे प्रिय है। किंतु मैं सत्य कहता हूं, आप आज्ञा करें तो मैं अपना शीश काट करके आपके चरणों में रख सकता हूं, किंतु राम, राम तो मेरे जीवन का आराध्य है। हे गुसाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत न बने गुसाई, राम देत न बने गुसाई। हे मुनिनाथ, ऐसा नहीं कि मुझे राम ही प्रिय है, अन्य तीन पुत्र प्रिय नहीं है, मुझे चारों ही पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, किंतु राम तो मेरे प्राण का भी प्राण है। राम देत ना बने गुसाई। राजन, हे गुसाई, आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने राम को आपको नहीं दे सकता। जब हम आपकी राजसभा में आए तो आपने क्या कहा कि मांगिए मुनि मांगिए, आपके मांगने में विलंब हो सकता है, इस दशरथ के देने में कदापि विलंब नहीं होगा। जब हमने मांग लिया तो आप स्त्रियों की तरह रो रहे हो, कह रहे हो कि मांगो भूमि धेनु धन कोसा, भूमि ले जाओ, अर्थात आप पृथ्वी देने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, क्या पृथ्वी से मेरे यज्ञ की रक्षा हो सकती है? आपने कहा धेनु ले जाओ, अर्थात गौ ले जाओ, क्या गौ मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकती है, उन राक्षसों से युद्ध कर सकती है? आपने कहा के धन ले जाओ, क्या धन से मेरे यज्ञ की रक्षा हो सकती है? आपने कहा कि मैं अपने प्राणों को भी दे सकता हूं, तो क्या मैं प्राण लेकर के यज्ञ रक्षा कर सकता हूं? नहीं राजन, हमें भूमि धनु धैन कोष आदि की आवश्यकता नहीं, भूमि का भार हरण करने वाले राम की आवश्यकता है। भूम नहीं चाहो भूम भार हारी राम देहु, गोधन नहीं चाहो राजन चाहो गोपाल को, धन नहीं ले हो धन धारी मुनिजन धन, कोस नहीं कोसले से कौशल कृपाल को,
आपने कहा सर्वस्व दे सकता हूं, चाहू नहीं सर्वस्व तुम्हारो किंतु चाहू राजन जन को सर्वस्व और नीत प्रतिपाल को देह प्राण नाही नारायण सिंह के प्राण लक्ष्मण समेत दीजे कौशल्या के लाल को। हमें लक्ष्मण के समेत आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की आवश्यकता है। भगवान आपको तो अपने यज्ञ से प्रयोजन है ना, धनवान सुधार के चौकस है अब ही मुनि तुमरे संग सिधाऊं। निश्चर जेते हैं मही पर सबको पल माह में मार गिराऊं। बस नायक मोतन वृद्ध भयो एक रावण के सन पार न पाऊं। हे मुनिनाथ मेरे रहे नहीं प्राण जो राम लला तू है संग पठाऊं। राजन आपने कहा कि मैं आपके साथ यज्ञ रक्षा करने के लिए चलता हूं, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं रावण के साथ युद्ध नहीं कर सकता, तो मैं फिर आपको ले जाकर के क्या करूंगा? हमें आपकी आवश्यकता नहीं, हमें किसकी आवश्यकता है? नीरज बदन बारो पंकज नैन बारो भ्रकुटी विशाल बारो लंबी मुझ बारो है प्रीत पट कीट बारो मंद मुस्कान बारो सूर सर धारण कबहू न हारो है भने रघुराज रावरे को नित्य प्राण प्यारो अरे जालम जुल्फ बारो जो कौसला दुलारो है मांग वो हमारो हो वे मख रख बारो राम नाम बारो ज्येष्ठ तने जो तुम्हारो है। हमें आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की आवश्यकता है। अरे देखी बचन बा हो देखी बचन बा काधे करत बहन बा हो रघुवंशी दादा हो नागिन करला तुम विचार रे रघुवंशी दादा हो नागिन कर ले चार हो रघुवंशी दादा हो देखी बचन बाहो देखी बचन बाहे पर जो बहन बाहो रघुवंशी दादा हो नहीं करिला तुम तुमे विचार रे रघुवंशी दादा हो नहीं करले तुम तुमे विचार हो विद्या पढ़ई हो खल बधो सुयस कमई हो विद्या पढ़ई हो खल बधो सुयस कमई हो विद्या पढ़ई हो खल बधो सुयस कमई हो हुई है जगत उद्धार रे रघुवंशी दादा हो जगत उद्धार रे रघुवंशी दादा अरे हुई है जगत उद्धार रे रघुवंशी दादा देखी बचन बाहो देखी बचन बाहे कर जो बहन बाहो रघुवंशी दादा राजन आपने हमें वचन दिया और वचन देकर के आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं। यदि आप हमारा कहना मान करके राम लक्ष्मण को हमारे साथ वन में भेजोगे तो इससे आपका कोई अनहित नहीं होगा, आपका मंगल ही मंगल होगा और हमारे समीप बला और अतबला नामक एक विशेष विद्या है, वह भी हम आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को समर्पित करेंगे, इसलिए हमारे साथ राम लक्ष्मण को भेज दो।
अरे मान ले बचन बा दे दे दोनों ललनों बा मान ले बचन बा दे दे यदि तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने गुरु वशिष्ठ से पूछो। राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, नारायण भगवान का अवतार है, इसलिए उसे साधारण बालक मत समझो और हमारे साथ यज्ञ रक्षा के लिए बक्सर वन में भेज दो। अति घोर कठोरा कहाँ सुंदर सुत परम किशोर परम किशोर। मुनिनाथ आप ऐसे निर्दयी न बने, तनिक मेरे कुमार राम की अवस्था की ओर ध्यान तो करें। वह सकुमार छोटा सा बालक और वह निशाचर जिनकी विशाल काया, जिन्हें देखकर धीर पुरुषों को भय लगता है, मेरा वह छोटा सा बालक राम उन निशाचरों के सामने कैसे खड़ा होगा। दशरथ तो जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार न सोता है, अरे कुछ दिन में सर के बाल सफेद भी होंगे फिर भी माया में रोता है। विष्णु से अगर जाए कहता तो चल देते छोर गरुड़ वाहन, शिव से फरियाद अगर करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगे मैंने राम लखन तो हृदय को तेरे संताप हुआ, लेता देता दोनों डूबे सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। दशरथ जानता नहीं है मुझे महाक्रोधी विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र राम लखन के विरह में क्यों करता संताप। या तो साथ भेज दे नहीं तो दे हो साथ, साथ देकर के तेरी साहित्यापुरी को राख की ठेरी बना दूंगा। यदि साप देकर के मेरा राम मेरे समीप में रहता है तो आप वह विनाशकारी सांप मुझे दे डालिए, मुझे आपका वह सांप स्वीकार है, चाहे सांप देके मेरे राज्य को विनाश करो, चाहे मोह करो जग में बदनाम जो गिरसों गिराओ, जल में डुबाओ अग्नि में जलाओ, मुझे भेजो यम धाम को मन भावे सोई दंड दीजे, हाजिर है गुलाम को देह धन धाम दे हो, तन पर की चाम दे हो सर्वस्व में दे हो पर दे हो नहीं राम। दे तू न बने गोसाई राम दे बने गोसाई। वह महाराज दशरथ का प्रेम स्नेह राम के प्रति, राम से किस प्रकार का स्नेह किया जाता है,
यदि किसी को शिक्षा लेनी है तो महाराज दशरथ से लो। लेकिन यह जो मांगना है यह भी बहुत बुरा होता है। जब हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे तो लोग कहते थे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कि विश्वामित्र महामुनि है, महामुनि नहीं महाज्ञानी है। लेकिन जब हम मांगने के विचार को लेकर के महाराज दशरथ के समीप आए तो हम महाज्ञानी नहीं रहे, क्या रह गए? मुनि आगमन सुना जब राजा, एक साधारण मुनि रह गए। तब तक मांगा ही नहीं है, मांगने के विचार को लेकर के आए हैं। लेकिन जब हमने मांग लिया कि हमारे साथ राम लक्ष्मण को भेज दो, तो महाराज दशरथ ने क्या कहा कि विप्रवचन नहीं कहे हो बिचारी, महामुनि ज्ञानी नहीं मुनि नहीं एक साधारण विप्र कह दिया। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। जब हमने बार बार मांगा कि हमारे साथ राम लक्ष्मण को भेज दो भेज दो भेज दो, तब क्या कहा कि राम देत नहीं बनत गुसाई, हे गुसाई राम तो देते ही नहीं बनता, मतलब के भिकमंगा, हमें भिकमंगा कह दिया। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में राम की प्राप्ति न हो तो हमारा जीवन ही निरर्थक बन जाता है। कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी तक हम महाराज दशरथ से सहजता में बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्रोध दिखाना होगा। दशरथ, मैं अभी सरयू के किनारे जा रहा हूं, सरयू के किनारे हाथों में जल लेकर के और जल को मंत्रों से अभिमंत्रित करके तेरी अयोध्या पुरी के ऊपर ढाल दूंगा, जिससे कि तेरी अयोध्या जल करके एक राख की ठेरी हो जाएगी। बचा सकता है तो बचा इस अयोध्या। वशिष्ठ बहु विधि समझा, किस धर्म संकट में पड़े हुए हो मुझे बतलाओगे? क्या बात है गुरुदेव? महर्षि विश्वामित्र का अचानक आगमन भवनों में हो गया। स्वभाव से मैंने कह दिया कि जो मांगोगे वही दूंगा, किंतु उन्होंने याचना में राम और लक्ष्मण को मांग लिया। अब आप भी बताइए मैं राम को कैसे देता? मैंने देने से मना कर दिया तो क्रोध में आकर के कह रहे थे कि सरयू किनारे जाकर के हाथ में जल लेकर के तेरी अयोध्या को राख की ढेरी बना दो, क्रोध करके यहाँ से चले गए। अच्छा राजन, तुम धैर्य धारण करो, वो महात्मा है। तुमने वचन क्यों दिए? जब तुमने वचन दिए तो अपने वचनों का पालन भी करो। तुम्हारे नकुल में तो बड़ी रीति चली आ रही है, आज संतों की कृपा से तो तुम्हें चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। याद है वो जमाना, आप रो रहे थे गुरुदेव मेरे राज में मुझे कोई पानी देने वाला नहीं, आज भगवान संतों की कृपा से तुम्हें चार पुत्र रत्न प्राप्त हो गए। वो मांगने के लिए आए, तुम्हें दे देने थे, तरस रहे थे, नप बरस रहे थे, नैन नेक ध्यान उस ओर भी ले जाइए। सुनी थी गोद, सुना था राजभवन, किसने जलाया यह ना भुलाइए। सुबह
की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से अब पुत्र बाल कहा है उन्हीं संत पर कुछ कंटक है आज, तो भेज नित पुत्र को अपने प्राणों को बचाइए। राजन जो तुमने वचन दिए है तुम्हारे नकुल की रीति है, काल जाए पर वचन न जाए, अपने वचनों की रक्षा करो, तुम अपने पुत्रों को उन्हें दे दो, मंगल ही मंगल है, मोह ममता को त्याग दो। आप शांत रहो, मैं अभी सरयू के किनारे जा रहा हूँ, उनको मना के लाता हूँ, ठीक है? ले जाइए गुरुदेव। हाँ, जैसा वशिष्ठ बहु विधि समझाओ संदेह नाश के पार, श्री मंगल राम जी महाराज, श्री मंगल राम जी महाराज, श्री गंगा मंदिर, हिम्मत गढ़ हिम्मत सिंह श्री गंगा मंदिर की ओर से 51 रुपया ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। ठाकुर की ओर से शुभ आशीर्वाद। हमसे कहता है कि राम नहीं दूंगा, महा को भी विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन हो, जिसने की जगत पिता ब्रह्मा के विरोध में खड़ा होकर के दूसरी सृष्टि की रचना कर डाली थी, उस महाक्रोधी विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन हम भी देखते हैं कि दशरथ हमारे साथ राम और लक्ष्मण को कैसे नहीं भेजेगा। अभी साफ देकर के इसकी हरी भरी अयोध्यापुरी को शमशान भूमि बना डालूंगा, राख की ढेरी बना डालूंगा, हरी भरी जल जाए खेतियां, सूख जाए नदी ताल, ग्राही ग्राही करे अयोध्या। अरे गाधी तने बक्सर वनवासी, अरे विश्वामित्र बाबा शांत, ये क्या क्रोध, क्या हमारी अयोध्या कोई फूक डालोगे? अरे तुम तो संतो, कुछ साधुता भी रखा करो, हर समय क्रोध में अच्छा नहीं है ना, जो साफ दे रहे हो, तुम कौन होते हो अयोध्या को जलाने वाले? महामुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र हमें क्रोध आ रहा है, क्रोध मुझको भी आ रहा है, क्रोध आ रहा है तुम्हारे शिष्य पर, शिष्य पर आ रहा जो कि तुमने उस शिष्य को शिक्षा दी है, क्या कपट का व्यवहार करते हैं तुम्हारे शिष्य, हमारा स्वागत किया, हमें सिंहासन पर बिठाया, कहने लगा कि मांगिए मुनिवर, क्या चाहते हैं, हमें वचन दिया। हमने कहा ठीक है, हम मांगते हैं हमारे साथ यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को भेज दो। तो कहने लगा नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है उसने, इसलिए हमें क्रोध आ रहा है, हटी आगे से सांप देकर के अयोध्यापुरी को राख की ढेरी बना देंगे। शांत हो जाओ, ये तो आपने, मैं तो आपको बड़ा तपोनिष्ठ समझ रहा था, बड़ा विद्वान समझ रहा था, अरे तुम सीधे महाराज दशरथ के पास चले गए, अरे मेरे पास आते मैं आपका स्वागत भी करता, इतना समय नहीं लगता, इतना प्रपंच नहीं बढ़ता, मैं थोड़ी सी ही देर में राम और लक्ष्मण को तुम्हें दिला देता, तुम ही विचार करो किस अवस्था में जाकर के साधु संतों की कृपा से उनको चार पुत्र प्राप्त हुए हैं, पुत्र मोह में ऐसा ही हो जाता है, आओ चलो मेरे साथ, छोड़ दो इस क्रोध को, इस जल को और कहीं फेंक दो, राम लक्ष्मण हमें मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, आप हमें राम लक्ष्मण दिलाओगे? क्यों नहीं दिलाएंगे, हमको क्या पता कि राम का ठेकेदार यही है, ठेकेदार की बात नहीं, हम तो दशरथ से पहले महामुनि वशिष्ठ से ही मिल लेते, महामुनि यदि आप हमें राम लक्ष्मण दिला देंगे तो हम भी साफ नहीं देंगे, ठीक है ना,
लेकिन एक बात को याद रखना महामुनि, क्या बात है, यदि अब की बार हम निराश होकर के लौट आए तो अब तक तो हम तुम्हारे शिष्य उस राजा को ही साफ दे रहे थे, लेकिन अब की बार कई ऐसा न हो कि हम निराश हो गए तो गुरु को भी साफ देना पड़े। कैसी भोरी भोरी बातें करते हो, आप जानते हो मैं रघुवंश का गुरु हूं वशिष्ठ, मेरे बिना के आज्ञा के कारण महाराज कुछ नहीं कर सकते। चले ठीक है, अब समय ज्यादा हो रहा है, चलो वशिष्ठ बहु विधि समझावा सावधान दोनों ही राजकुमार राजसभा में प्रधान रहे हैं। सदैव से इस सूर्य वंश की ये मर्यादा रही है कि धर्म पर आघात करने वाला चाहे वो कोई भी क्यों ना हो हम उसे दंड देते हैं। महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ को निशाचर होने नहीं दे रहे हैं, अपनी यज्ञ रक्षा के लिए महर्षि तुम दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। पुत्र ध्यान रखना, सूर्यवंशी कभी युद्ध में से पाम पीछे नहीं धरते, याद रखना इनकी आज्ञा का हर समय पालन करना, मन से वचन से कर्म से किसी भी प्रकार तुम्हारे किसी भी कार्य से मुनिनाथ के हृदय को कष्ट न हो, इनकी सेवा करना। आज से आपके माता और पिता मुनि श्रेष्ठ हैं। बेटा पिताश्री आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, हम मुनि राज के साथ में अवश्य जाएंगे और सर्वप्रथम हम मुनि राज के चरणों की सेवा करेंगे, जो भी मुनि राज हमें आज्ञा देंगे उसका पालन करेंगे। और आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, आप तो हमें आज्ञा दें और यह आशीर्वाद दें कि हम रणभूमि में यज्ञों की रक्षा कर सकें और निशाचरों का वध कर सकें। धर धीरज पितु आयुष दीजे है जग स्वेष तिहारो, मैं जाए हो मुनि संग आप धीर उर धारो, कर मन की शिवकाई और मख की रखवारी निश्चय को भय आप न कीजे, हो हते हो दिवरारी। पिताजी आप उन निशाचरों का भय न करें, हम उन निशाचरों से लड़ने के लिए तैयार हैं और मुनि राज के यज्ञ की रक्षा करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ मेरे प्राण नाथ सुत दो, आनो नहीं को
मैं सत्य कहता हूं, राम मेरे प्राणों का भी प्राण है, किंतु आज से इनके माता पिता गुरु सब आप हैं। मेरे इन छोटे छोटे कुमारों से आपकी सेवा में कोई भूल हो जाए तो आप इन्हें क्षमा करें बाबा। राजन, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, आपके दो पुत्रों को लेकर के जा रहा हूं। नारायण भगवान की कृपा हुई तो मैं आपको चार लौटा करके दूंगा, यह आपसे बचना। सोपे भूप सिंह सुत बहु विधि देयो आशीष, बहु विधि देयो आशीष। जब मुनि विश्वामित्र जी पधारे तो महाराज ने मना कर दिया कि राम देत नहीं बने गोसाई, क्योंकि महाराज दशरथ जानते हैं दान दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती। मैं दान में राम को नहीं दे सकता, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो दान में नहीं सौंप रहे हैं। किसी को भी अपनी कोई वस्तु धरोहर रखी जाए तो आप वापस ले सकते हैं, इसलिए प्रभु को सौंप रहे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देयो आशीष, जननी भवन गई प्रभु चले नायक दुशीष। गुरुदेव आप देख रहे हो, यह है हमारे माताजी के महल है, तो हम अपनी माताजी से आज्ञा लेना चाहते हैं, तत्पश्चात हम दोनों ही भाई आपके साथ में चलेंगे। माताजी से आज्ञा लेना अभी शेष रह गया है क्या? जी गुरुदेव। श्री राम जी, हम आपके पिताजी के समीप आए, आपके पिताजी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि आप उन्हें जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे। हमने कहा कि हमको अधिक कुछ नहीं चाहिए, यज्ञ रक्षा के लिए अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। तो कहने लगे महाराज दशरथ कि नहीं नहीं महामुनि, मैं आपके साथ अपने पुत्र राम लक्ष्मण को नहीं भेज सकता। लेकिन आपके गुरुवर वशिष्ठ आए, उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं है, अपने पुत्रों को भेज दो। तो बताइए पिता वह कि नपत्री जब एति आना कानी की, तो मात ही कौशल्या को तोस किम पावे गो, प्राणन ते प्यारे राम नैनन सो दूर कर, जननी को जीरा अधिक उकलावे गो, जो पे पिता थी अधिकार दस गुनो अम्ब। माता का जो स्नेह होता है पुत्र पर पिता से दस गुना अधिक होता है। जो पे पिता थी अधिकार दस गुनो अम्ब, तो पे वह बात्सल्य भाव दर्शावे गो, हरे हटे नप प्रणते तो डटे गुरु बचरण सो, नटे यदि कौशल्या तो कौन समझावे गो। आपकी माता कौशल्या कहने लगी कि दाढ़ी वाले बाबा के साथ मैं अपने राजकुमारों को नहीं भेजूंगी। तो आपके पिताजी को तो वशिष्ठ जी ने आकर के समझा दिया, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। यदि आपकी माताजी मना करने लगी तो हे रामभद्र, उन्हें कौन समझाने के लिए जाएगा, इसलिए हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कदापि नहीं होगा। हम अपनी माताजी से आज्ञा लेने के तत्पश्चात अत शीघ्र ही आपके समीप आएंगे और आपके साथ में चलेंगे। अरे कैसे चलेंगे, आप राज्य महलों में गए, वहां राज्य महलों में सो गए और बाबा यहाँ धूप में खड़े खड़े तपते रहेंगे है? नहीं नहीं गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, हम आपको वचन दे रहे हैं, आपसे कह करके जा रहे हैं, तो हम अत शीघ्रता से आएंगे, आप हमारा विश्वास करें। नहीं ऐसा है राम जी, आप बड़े हैं, आप माताजी के पास चले जाओ, लक्ष्मण जी को हमारे साथ यही छोड़ जाओ, हम लक्ष्मण जी से बात करते रहेंगे। हे मुनिराज, आप क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम माताजी से मिली आए? हाँ। मैं यहाँ रहूं? नहीं गुरुदेव, यहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री राम होते हैं वहाँ वहाँ लक्ष्मण का जाना तो
अनिवार्य होता है, इसीलिए मैं भी प्रभु श्री राम के साथ जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम तो अपनी माता का दूध पी करके आओ, जाओ लेकिन शीघ्रता से लौट करके आओ। प्रणाम। जननी भवन गए प्रभु, चले नायुपदशीष, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, क्या तुम दोनों भाई कहीं पे शिकार खेलने जा रहे हो? नहीं माताजी, हम शिकार खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे पिता महाराज ने हमको आज्ञा दी है, हम मुनि विश्वामित्र जी के साथ में उनके यज्ञ रक्षा के हेतु जा रहे हैं। क्या कहा बेटा, तुमको तुम्हारे पिता महाराज ने आज्ञा दी है कि तुम दोनों ही भाई मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करो। बेटा, जब तुमको तुम्हारे पिता महाराज ने आज्ञा दे दी है तो मैं तुमको रोकने वाली कौन होती हूँ? बेटा, तुम अवश्य जाओ और संग्राम भूमि में उन शत्रुओं को अवश्य सबक सिखाओ। बेटा, यदि तुम मुनि जी के साथ में चले जाओगे तो बेटा मैं प्रातःकाल किसको जगाऊंगी, किसको भोजन कराऊंगी, किसको शयन कराऊंगी, और तुम अब की गई हो और ना जाने तुम कब तक आओगे, तुम्हारी इस सुंदर मुखार विंद के दर्शन बेटा मैं कब तक कर पाऊंगी? तुम तो चले मुनि संग लला नित भोजन को ने कराऊंगी मैं, कंचन थार में आरती साध सकार ये कोने जगाऊंगी मैं। दो चंद्र निहारूंगी मैं, अब देश कब लो तुम आई हो लला, कब लो मुख चंद्र निहारूंगी मैं, अब देश कब लो हो लला, अब लो चंद्र निहारूंगी मैं, अब देश कब लो तुम आई हो लला, कब लो मुख चंद्र निहारूंगी मैं, बेटा। आप तो हमारी मस्तक पर हाथ रखकर यही आशीर्वाद दें कि हम रणभूमि में उन राक्षसों को सबक सिखा सकें। हे माता, हम जात हैं कौशिक मुनि के साथ, आज्ञा करिए प्रेम सो, फेरिए सिर पर हाथ, हाथ धरो मम शीश पे मात, हमें मुनि राज बुलाए रहे हैं, ताड़ी का दुष्ट मारीच सुबाहु सवन द्वंद मचाए रहे हैं, कौशल राय रजाए दई सोई पालवे कानन जाए रहे हैं, अरे जाए के भूमि को भार हरे जिन सो तपसी दुख पाए रहे हैं। हे माता जी, आप तो हमको यही आशीर्वाद दो कि रणभूमि में हम उन राक्षसों को सबक सिखा सके और यज्ञ की रक्षा कर सके।
माता हमारे परम पूज्य श्री भगत जी दूध आहारी हमारे श्री भप्पू बाबा का आदेश है, जितने में यज्ञ के जिजमान बंधु हैं सभी जोड़ा के सहित यहाँ पर पधारे रामलीला दर्शन के लिए। सभी लोग आकर के रामलीला के दर्शनों के लिए आवे, ऐसी बाबा की आज्ञा है। माता जी मैं भी प्रभु श्री राम के साथ वन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि खल धल मारन मात हम जात वनों के बीच तुम ऐसा आशीर्वाद दो हम मारे निश्चर जी। दो त्याग विचार है मात, हमें मुनि राज के यज्ञ की रक्षा करेंगे। इस पराक्रम वीर तो क्या, यदि काल भी आए तो उनसे लड़ेंगे। तेरी दूध की आन है मात, हमें भगवंशी लक्ष्य से देखना टरेंगे। आशीष तेरा विश्वास मेरा, श्री राघव भूमि का भार हरेंगे। बेटा यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों ही भाई अवश्य जाओ और उन दुष्ट राक्षसों को संग्राम भूमि में अवश्य सबक सिखाओ। बेटा जाओ बेटा, चले यज्ञ की रक्षा करने, चले यज्ञ की रक्षा करने, वो प्राणों के प्यारे रघुकुल राघव रामचंद्र रघुकुल के पालन हारे। सोच रही थी नन्हे मुंडे कैसे तीर चलाएंगे, बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे वन में मार गिराएंगे। बालक नहीं ये रूप हरि का, बालक नहीं ये रूप हरि का, जग के पालन हारे रघुकुल राघव रामचंद्र रघुकुल के पालन हारे। रघुकुल राघव रामचंद्र रघुकुल के पालन हारे। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरणो, कृपा सिंधु मत धीरो अखिल विश्व कारणो करणो। श्याम गौर सुंदर दोनों भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि पाई। हे राम भक्त, हमारे सिद्ध राम के आश्रम पर पहुंचने के लिए यहां से दो मार्ग जाते हैं। एक मार्ग तो तीन दिन का है और एक मार्ग मात्र तीन पहर का है, लेकिन इन मार्गों में भेद है। एक जो मार्ग है जो तीन पहर का है उसमें एक बाधा है। बाधा क्या है? उसमें एक ताड़ का नाम की विशाल राक्षसी रहती है। हम जैसे ऋषि मुनि महात्माओं को देखती है, बाबा के हाथ से तो यज्ञ करा रहे हो बाबा, और आप यज्ञ करा रहे हो, और क्या हमारे श्री भगत जी बब्बू बाबा जो 26 वर्ष से केवल दूध का ही आहार कर रहे हैं और यज्ञ का आनंद स्वयं भी ले रहे हैं और आप सभी को आनंद रस की वर्षा करके आपको भी तृप्त कर रहे हैं। प्रातः काल से लेके शयन पर्यंत रात्रि को 12-1 बजे तक राम नाम जबरदस्ती आपको श्रवण करा रहे हैं। यज्ञ का आनंद, फिर कथा का आनंद, राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, फिर रास लीला रामलीला का आप लोगों को दर्शन करा करके
इस प्रकार का आनंद रस बरसा करके आप सबको राम रस का पान करा रहे हैं। धन्य है हमारे बाबा, धन्य है इस भूमि को, और धन्य है बाबा को, और धन्यवाद आप सभी को, जो कि बाबा की एक आज्ञा पर सभी हम और आप सम्मिलित होकर के आनंद ही नहीं परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो बाबा हमारे गुप्त भेंट अर्पण कर रहे हैं, और हमारे आनंदी लाल जी जांगेड़ 51 रुपया ठाकुर के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आप लोग भी नीचे से ही अपनी भेंट कलश रखा हुआ है, कलश में आप लोग अपनी भेंट अर्पण करते रहेंगे, और जो भी विशेष भेंट आप अर्पण करना चाहें वो मुझ मेरे पास में अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। आप लोग तो भेंट करते रहें और लीला का आनंद लेते रहें, हाँ, क्योंकि बीच में रुकावट नहीं होगी। आप लोग भेंट नीचे से ही कलश में अर्पण करते रहें, और जो विशेष भेंट आप अर्पण करना चाहें वो मेरे पास आप अपना नाम बता करके अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। हे राम भद्र, दो मार्ग है, एक 3 दिन का और एक 3 पहर का। इनमें भेद क्या है? जो 3 पहर का मार्ग है सीधा जाता है, शीघ्रता से हम आश्रम की ओर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस मार्ग में एक बाधा है। बाधा क्या है? एक ताड़का नाम की विशाल राक्षसी रहती है, हम जैसे संतों को देखती है तो दौड़ करके आती है, खा जाती है, भक्षण कर लेती है। लेकिन जो 3 दिन का मार्ग है वह सुगम मार्ग है, थोड़ा घूम करके तो आता है, लेकिन वहां संत मुनि महात्मा मिलते हैं, इसलिए किस मार्ग से चला जाए? गुरुदेव, आप तो 3 पहर वाले मार्ग से पधारिए, चलिए उर्ध्वर त्याग, 3 पहर की राह, सुखसो आश्रम पहुंच के करें मख उत्साह। गुरुदेव, आप 3 पहर वाले मार्ग से पधारिए, हम अति शीघ्रता से आश्रम पर पहुंचेंगे और यज्ञ प्रारंभ करेंगे। हे राम, मैंने पूर्व में ही कहा कि एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, मुझे उससे डर लगता है। आप हो सकता है कि बड़े हैं आप नहीं डरेंगे, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्मण जी धनुष बाण देखकर छोड़ करके उस ताड़का से डर जाए और अयोध्यापुरी की ओर भाग जाए। क्यों लखनलाल? हे मुनिराज, क्या आपने हमको कायर समझ रखा है? हम क्षत्रिय के बालक हैं। अरे डरने की तो चले क्या, काल भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उनसे भी युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। हम बालक क्षत्रिय के, भेद नाम है को नाम, देख वीर तर तीर ले, उदित करत संग्राम। इसीलिए ठीक है, वही करो जो मेरे भाई ने कहा है। राम जी आप नहीं डरते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम भी नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरते हैं। ऐसा है, आगे आगे राम जी आप चलेंगे, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चलेंगे, हम बीच में चलेंगे। एक निवेदन करें, आश्रम आपने देखा है तो मार्ग भी आपने ही देखा है, तो आगे आगे आप पधारो, हम दोनों भाई आपके पीछे पीछे चलेंगे। नहीं नहीं, मैं बीच में से बताता रहूंगा रास्ता इधर से। ठीक है गुरुदेव, श्याम गौर सुंदर दोनों भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, इसे ताड़कवन कहते हैं,
सावधान होकर के चलो, यही रहती है वो राक्षसी ताड़का। जो क्या गुरुदेव पधारिए। हमारे श्री भगत जी श्री भब्बू बाबा की ओर से 501 रुपया प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। सभी बड़ी जोर से जय बोलेंगे, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हमारे श्री भब्बू बाबा की ओर से 501 रुपया ठाकुर जी के श्री चरणार बिंदों में अर्पण हो रहे हैं। ठाकुर की ओर से शुभ आशीर्वाद।